इतने दिन गुजर गए और अब घर वापस जाने का वक्त आ गया है। पहली दफा घर वापस जाते हुए उदास महसूस कर रही हूँ। मैं भी कुर्तलैन, हम घरवालों को अपनी शादी के बारे में कब बताएंगे? जब हालात सेटल हो जाएंगे। देखिए, हमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी, अपनी अम्मी से बात करनी होगी आपको। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते तो हालात कभी भी यहां तक ना पहुंचता। हर जगह ये हाल ही है, लेकिन अब आप अकेली नहीं है, शादीशुदा हैं आप। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी, आपका हमसफर। जब भी मैं आपको देखती हूँ सारी परेशानियां पीछे रह जाती हैं। मुझे तो जैसे ही पता चला कि एनी आप ही आने वाली है, मैं और फरुख जल्दी से आ गए। बहुत अच्छा किया। ये आप दोनों के लिए है। थैंक यू वापी। ये मेरी प्यारी सी अम्मा के लिए और एंड ये चांदनी के लिए। थैंक यू एनी आपा। और ये आपके लिए। थैंक यू आपा। एनी, क्या जरूरत थी बेटा इतनी फजूल खर्ची करने की? अरे अम्मा, कभी कभार फजूल खर्ची कर लेनी चाहिए। एनी आपा, हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन एनी आप ही ने हमें कहाँ याद किया होगा, मसरूफियत ही इतनी होगी। मसरूफियत अपनी जगह और याद अपनी जगह। वैसे एनी, खुदा का शुक्र है कि तुम खैर से घर आ गई हो। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। अम्मा, अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने मामलात खुद संभालने सीख लिए हैं। मैं तो अक्सर हूरिया से कहता हूँ कि एनी आपा आइडियल खातून है, बेहतरीन शख्सियत की मालिक। हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ भाई, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि एनी आपा हमारी बहन है। हमारी एनी आपा को नजर ना लग जाए किसी की। मैं ये गिफ्ट संभाल कर रखूंगी। एनी आपी, आपकी स्किन बहुत फ्रेश लग रही है, चेहरा ग्लो कर रहा है। वो शायद आबो हवा की तब्दीली मुझे सूट कर गई, और वैसे भी मुझे घर आने की इतनी खुशी है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती।